मॉर्निंग गाइस, भाई निकल लिए हम सुबह सुबह जैसलमेर से, कह रहा हूँ सैम सैंड ड्यून से निकले हैं भाई, वहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे रात को रिजॉर्ट में। और भाई वो ये जल्दी जल्दी में निकले तो गुड एंड शो यू अराउंड, एकदम हो गया जल्दी जल्दी में निकलना है क्योंकि जीप सफारी के लिए लेट हो रहे थे, अभी काफ़ी लेट उठे यार। तो ब्रेकफास्ट किया था, बहुत नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट था, कुछ ज़्यादा खास नहीं। अभी एक जीप वाला जो हमारे रिजॉर्ट में जीप वाला है उसके साथ ही जा रहे हैं, वो अपनी जीप लेकर चल रहा है सामने, तो वी आर गोना पे हिम सम मनी और उसके बाद उसके साथ साथ ही चलेंगे, क्योंकि भाई वही है डेजर्ट में पता नहीं कहाँ हम अटक जाएँ कहाँ नहीं, पता भी नहीं है लोगों का। तो अभी सफारी करनी है तो चलो अपनी गाड़ी चलानी है, तो उसको कुछ पैसे देंगे और उसके बाद हम सीधा फिर निकल लेंगे, देखते हैं अभी अभी शोयू अराउंड। भाई इन द मिडल ऑफ सैंड ड्यून्स एक उस भाई ऑफ रोडिंग करी है, काफ़ी शॉट्स लिए हैं, शोयू अराउंड भाई के साथ साथ चल रहे हैं बस। सैंड ड्यून्स के भाई बीच में बिल्कुल खड़े हैं अपनी थार लेके, आज हुई है भाई इसकी एक्सट्रीम टेस्टिंग, सो गुड, मजा आ गया भाई, वेरी नाइस एक्सपीरियंस भाई। अभी शॉट दिखाएंगे आपको, सही में भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं है, आज आया मजा थार लेने का पैसा वसूल। भाई सैंड ड्यून्स पे चला रहे गाड़ी, अपना अलग ही फन है यार, क्योंकि सामने जितेंद्र उस भाई के साथ है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि बाई चांस भाई अटक जाए कहीं, क्योंकि पहली बार चला रहे हैं तो वही पता नहीं ना इसका, तो भाई जीप में है बिल्कुल सामने, उस जीप को हम फॉलो कर रहे हैं और जितेंद्र उसमें बैठ के शॉर्ट्स ले रहा है वीडियो ले रहा है हमारी। तो भाई बढ़िया फर्स्ट क्लास मजा आया सैंड ड्यून्स में चलाने का, एक्सपीरियंस अच्छा है भाई, बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस, इतनी दूर आया तो आई थिंक कि करना भी चाहिए ना, यू विल लव इट यार, एंड यू विल लव इट अगर आपकी गाड़ी केपेबल है, लाइक थार इज सो केपेबल आई फाउंड इट टुडे। इनकी गाड़ी एक जगह रुकी थी, अपनी नहीं रुकी, तो मैं कहा भाई तेरे को टो करना तो मुझे बता दियो, पर थार इज सो केपेबल भाई, मजा आ गया, मजा लहरे मार रही है गाड़ी। और भाई बंदे बोलते हैं कि
हवा कम करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, भाई मुझे नहीं लगा भाई बुलशिट, केपेबल गाड़ी हो सब कर लेगी भाई, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। और मैं बिल्कुल डीप डेजर्ट में ले गया था जहाँ पे वो कह रहे थे कि हाँ यहाँ इससे डीप जीप कहीं नहीं जाती, वहाँ लेके गए थे। तो आई डोंट थिंक और कहीं जाओगे, तो बढ़िया अपनी गाड़ी लाओ, इन्जॉय करो, बस साथ में कोई बंदा ऐसा रखो, उसको पैसे दो कि अपनी जीप के साथ या वो आपके साथ चले, उससे थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो ऐसा करना हो और आगे मजे लो भाई। अब हम निकल रहे हैं कुलदरा की तरफ। तो यहाँ से कुलदरा है अराउंड 49 मिनट्स 37 किलोमीटर। तो ये रास्ता है सीधे सीधे, यही रास्ते ऐसे ही है भाई, इधर अपना ये रास्ता पकड़ो, आगे थोड़ी देर में राइट आएगा 17 किलोमीटर बाद तो कुलदरा पहुँचते हैं। कुलदरा एक हॉन्टेड विलेज है, तो घोस्टली विलेज है, तो पर आजकल वही बन गया है, वो थोड़ा कम अपना टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा बन गया है। फिर भी चलो लेट्स सी, राजस्थान बहुत चेंज हो गया भाई। भाई जस्ट टुक अ राइट टर्न टुवर्ड्स कुलदरा। अब यहाँ से 34 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, वो 20 किलोमीटर दूर दिखा रहा है कुलदरा। कुलदरा द हॉन्टेड विलेज, स्टे ट्यून्ड भाई। कुलदरा का रोड मस्त है गजब यार, थोड़ा ना रॉ है थोड़ा सा, मतलब रोड है तो सही है, एनवायरनमेंट थोड़ा रॉ है, और वही मज़ा चाहिए भाई मेरे को हरियाणा राजस्थान से। ये एक्सपेक्टेशन होती है बस कि ऐसे रास्ते हो, नहीं चाहिए भाई हाईवे वगैरह, ऐसे रास्ते मज़े आता है, थोड़ा ऊपर नीचे है, गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है, मज़े ले रही है, झोले खा रही है, तो उसी का ही तो मज़ा है भाई। दिस इज राजस्थान, बिल्कुल रॉ शांति, हम जा रहे हैं एक हॉन्टेड जगह, वही मज़ा 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 भाई। अभी हम जा रहे थे कुलदरा के रास्ते पे, यू टर्न लिया वापस, या आगे स्कॉर्पियो जा रही भाई, तो भाई यार मिले, इन्हें बोला भाई गूगल मैप्स दिखा रहा गलत रास्ता, तो ये बाहर से बेचारे बहुत दूर से वापस आए उल्टे, तो इन्होंने बताया हमें, तो बस अब इन भाई यार के साथ ही जा रहे हैं, देखते हैं अब कहाँ पहुँचेंगे कहाँ नहीं। लेट्स सी, हाँ भाई कुलदरा का देखो ये रहा, सही नहीं लग गया भाई, हम तो गलत जा रहे थे, मतलब तुम ज्यादा गलत गए थे। हाँ सही में भाई यार, सही टाइम पे मिल गया हमें, तो बढ़िया है भाई यार मिल गया, वरना तो कुलदरा नहीं भेजा है। हाँ ये भूत ने भेजा भाई, आओ हमारे पास तुम साला अलग मत जाओ। पर नहीं भाई, हाँ दुख दुख हो गई थी, फिर मैं यार ऐसा तो ना होना सही है, पर भाई यार सही गई। अरे यो आया मस्त रोड यार, अब बिल्कुल फील भी आ रही है कि हाँ किसी हॉन्टेड जगह जा रहे हैं, देखियो रोड कैसे यार, रात को आएगा आदमी यहाँ तो आधी तो वैसे ही सांस फट जाए उसकी, है नहीं। तो भाई आ गए हम कुलदरा, पहुंच गए कुलदरा विलेज, तो हॉन्टेड विलेज कुलदरा भाई, इतना देखा इसके व्लॉग्स वगैरह, पैसेंजर 20 और व्हीकल के 50, नाइस। ये है भाई कुलदरा की एंट्री पॉइंट, ये भाई आ गए कुलदरा, घुस गए, देखो भैया कैसी है विलेज, यानी पहुंच रहे अभी तो, ये रास्ता है वहां का, आ पूरा ऑफ रोड है, डेजर्ट वाले पेड़ पौधे हैं बस। तो भाई हम आ गए जी अपना कुलदरा विलेज, भाई कहाँ जा रहा है तू, ये देख रहा है अंदर से कि कैसा क्या था। तो भाई हाँ क्या दिख गया, देख रहा है, आजा, ये पुराने घर है भाई सब उस टाइम के, टूटे फूटे कुछ, उसमें रिकंस्ट्रक्शन भी चल रहा है तेरे को पता है, रिस्टोर कर रही है गवर्नमेंट बिल्डिंग को, इन बिल्डिंग्स को, पता नहीं ये नए वाले हैं या पुराने पड़े पड़े हैं। तो भाई कुलदरा विलेज जो है भाई, वो एक बहुत पुरानी विलेज थी, तो यहाँ का एक राजा हुआ करता था, ये गांव था ब्राह्मणों का, ब्राह्मण रहते थे, तो जो राजा था उसको यहाँ की एक लड़की पसंद आ गई, तो उसने क्या करा, उसने उस लड़की को उठवाने के लिए बोल दिया। अब यहाँ इनके पास खबर आ गई जो ब्राह्मण थे कि हाँ भाई राजा का दिल हमारी लड़की पर आ गया, और तो भाई जो राजा को लड़की पसंद आ गई, तो यहाँ ब्राह्मण रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, उन्होंने ये जगह फिर खाली कर दी रातों रात, और यहाँ पे दे दिया एक शराब कि ये जगह कभी बसावे बसेगी नहीं दोबारा कभी भी। तो अब देखो ये पुराने इनके रुइंस है पीछे, पीछे देखो सारे रुइंस ही रुइंस है पीछे, तो ये जगह ऐसी है भाई, अब इसको बोलते हैं हॉन्टेड है। तो हम तो आए हैं भाई देखना, एक्सपीरियंस करना, देखना तो बनते हैं, वैसे आजकल टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा हो गए, बहुत टूरिस्ट आते हैं इधर,
पहले लोगों को पता नहीं था इतना, अब जैसे इंटरनेट हुआ उसके बाद से बंदे आ जाते हैं सर चलो भाई। और भाई गूगल मैप से गुलदरा मत आना क्योंकि वो आपको कहीं और ही ले जाएगा, वो लोकेशन गलत ही जा रही है, तो आप लोग अपने आप आना यहाँ लोकल से पूछ के और सही पहुँच जाओगे। देखने ये तो पूरा नहीं है, तो लोग रहते थे भाई सोच पहले। पर प्रॉपर एक ईरी वाइब है ना, एक ईरी वाइब है, मतलब डर का माहौल तो है। मान लो अगर अकेला आदमी हो तो भाई, दिन में भी अगर तू अकेला होता ना तो 1% घबराहट होगी भाई। देखिए अरे भाई कुलदरा विलेज अंदर ही घुस गया हम तो, चलो थोड़ी ऑफ रोडिंग ही कर ले, रुइंस के पास ही गाड़ी चलाते हैं, उधर ले लो पास के अंदर चलाते हैं रुइंस के, कोई वैसे सड़ ना जाए, कोई देख लेगा ना 30-30 वाला पंगा ना कर दे। रोड है भाई, हम क्या पता भाई, तुमने अलाउ नहीं कर रखा रास्ता समझ रखा है, तो भाई रुइंस में लाया गाड़ी अलाउड तो नहीं आया है नहीं, अब तो गुजारी चलो देखी जाएगी जो होगा भाई साहब। नाइस भाई है हॉन्टेड विलेज एज दे कॉल इट, तो अपन आ गए सही है। ले भाई आ गए जित्तू कुलदरा विलेज भाई, द हॉन्टेड प्लेस इन राजस्थान। देखते हैं भाई, और गर्मी इतनी हो रही है भाई, थम्स अप ले रहा है वो भाई, ले रहा है अपना कुल्फी, गर्मी है भाई, गर्मी है बढ़िया, तो इतनी गर्मी है कि ठंड में भाई अब जैकेट डाल तो रखी थी अंदर, बाहर आए जब पता लगी गर्मी, अब गाड़ी तक कौन जाएगा, चल गर्मी भी है और हवा भी चल रही है, तो मिक्स एंड मैच हो रहा है आज, सुबह से मूड खराब है, निकाले पहले वहां डेजर्ट कैंप में रुके भाई, अंदर तो गर्मी हो रही है कंबल में, और बाहर लिखते चाटा दुनिया भर का यार क्या करे भाई। अब देखो भाई कुलधरा इस गांव में पलिवाल ब्राह्मण कास्ट के पीपल लोग रहते थे, ऐसे सब जैसलमेर के 50 किलोमीटर राउंड्स में 83 विलेज और थे कि कुलधरा विलेज, 84 विलेज हुआ करते थे पलिवाल ब्राह्मण लोगों का। चुड़ैल के मकान में तुम फेस्टिवल मनाओगे? यहाँ पे फेस्टिवल होगा, दिन में डेजर्ट फेस्टिवल होता है वो म्यूजिक वाला, सॉरी भाई इतना बुरा मत करो यार, नेशनल हेरिटेज है यार, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर है, अपनी ही धरोहर है भाई देश की यार, आप देखिए क्या लिख रखा है, दीपिका भाटी पता नहीं क्या क्या भाई, क्या मिल जाएगा भाई, कुछ नहीं आता सिर्फ काम खराब करके निकल लोगे भाई। ये है रुइंस और ये है प्रॉपर ऊपर से व्यू, ये हम घर पे खड़े हैं जहाँ पे जिस लड़की की बात हो रही थी, जो सरपंच की लड़की थी, तो ये वो एरिया है भाई सारा, और ऊपर से देखो ये सारा व्यू कुलदरा गाँव का, सारे रुइंस ही रुइंस भाई। हमारे गाइड थे अगर, क्या नाम भाई आपका? बबलू, आओ अगली बार यहीं मिलेंगे, कॉन्टेक्ट हिम भाई। ये उस टाइम के ये सरपंच का घर है, वो शहर था, गांव था, गांव था भाई, और अंदर जो ये बुलेट कार्ट खड़ी है उतनी 200 साल पुरानी खड़ी है, जब ने खाली किया था तो आज तक इसको प्रिजर्व करके रखा गया। और ये वो घर था भाई सरपंच का, ये वो घर है। हाँ अरे लाओ फोटो ले लेंगे जी, एक मिनट इसकी भी एक वीडियो निकाल लेता हूँ, एक मिनट प्लीज सॉरी। हाँ ये देख लो ब्रोकन हाउस है, जो सारे 200 साल में मेंटेनेंस कौन करेगा, भाई बता रहे थे कि यहाँ कोई बसावट नहीं है। ये देखो ये है इनका मंदिर होता था उस टाइम पे, अब मंदिर भी खाली पड़ा है क्योंकि वो भगवान वगैरह की मूर्ति
फेस्टिवल उस टाइम पर ले गए थे। ये उनका जो अपना ज्वाइन की फैसले वगैरह होते थे, बैठते थे मीटिंग कम्युनिटी वाली, तो ये सब कुछ यहाँ पे होता था, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर पंचायत मान लो जो भी होगा सब यहीं होता था। फिर वो रातों रात उनके निकल लिए। सो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हम कुलदरा थे ना, अब हम कैसे यहाँ से वापस, ये कौन सा एरिया है? तो गाइस, दिस इज़ माय न्यू होम, मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। एंड आपको मैंने सिर्फ एक बात बतानी थी जो मैं उस टाइम पे शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाया, दिस इज़ अबाउट कुलदरा। तो मैं उस टाइम पे शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाया, या फिर आई वाज सो मच इन द फ्लो कि मैं भूल गया, या पता नहीं मेरा वो डेटा करप्ट हो गया, आई डोंट नो वेयर माय डेटा इज़ गॉन। बट मैं आपको कुलदरा के बारे में कोई बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज जो मुझे खुद पता लगा उस दिन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से, मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, जो हमारे गाइड थे, जो मैंने आपको दिखाया, जो हमारे गाइड थे इस वीडियो में, उन्होंने हमें बताया था कि बचपन में जब, क्योंकि वो वहीं के लोकल हैं, तो बचपन में जब वो वहाँ पे होते थे, रहते थे, खेलते थे, सब कुछ जैसे हर एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, खेलता कूदता है, तो वो भाई वहीं पे रहते थे, तो उसके घर वाले जैसे उन्होंने मेरे को बताया, तो आई कैन नॉट यू नो जस्टिफाई हाउ मच ट्रू इट वॉज, इफ इट वॉज इवन और नॉट, बट आई कैंट जज एनी वन, मे बी इट वॉज ट्रू, मे बी इट वॉज नॉट, आई जस्ट टेल यू व्हाट आई गॉट टू हियर फ्रॉम हिम, जो मुझे उनसे सुनने में मिला मैं आपको आगे बताऊँगा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके घर वालों ने मना किया था उनको कि भाई उधर नहीं जाना है रात को, आप जब भी इधर से जाओगे तो किसी बड़े के साथ ही जाना है। उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता था ही माइट हैव टू क्रॉस दैट रोड ड्यूरिंग नाइट्स, और उनको भी वो रोने धोने की आवाज़ें, अंदर से बच्चों की आवाज़ें, अजीब अजीब बहुत वियर्ड आवाज़ें, बहुत हॉन्टिंग आवाज़ें जैसा आप कहोगे, तो वो सब उनको वहाँ पे सुनने को मिलती थी। उन्होंने मेरे को खुद बताया था कि रात पे लोकल से आना बिल्कुल अवॉइड करते हैं जब तक हो सकता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे, वो उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने मेरे को ये भी बताया, जिस घर में अभी आपने देखा जो लास्ट में शॉट हुआ है, चुड़ैल का मकान, उस घर में कहते हैं कि जो लड़की थी सरपंच की बेटी, उसकी आत्मा उसी घर में है। सो बिकॉज ऑफ दैट, एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर कोस्ट फाइंडर जिसको कहते हैं, वो बंदा था अंकित तिवारी, इफ़ यू माइट नो, आपने उनकी वीडियोज़ देखी होंगी, तो वो भानगढ़ वगैरह जैसी जगह पे भी गए, वो काफ़ी जगह जाते थे पैरानॉर्मल एक्टिविटी चेक करने की, यहाँ पे कुछ है या नहीं है भूत वगैरह, या फिर अब कोई इसको आत्मा कहेगा, कोई सोल कहेगा, कुछ भी कह सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। सेइंग दैट इट इज़ नॉट ट्रू, आई वुड हाईली रिफ्रेन फ्रॉम इट। आई थिंक कि ऐसी चीज़ होती हैं, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर मेरा पर्सनल मानना है, मेरे पास भी काफ़ी स्टोरीज है, बट मे बी वी ब्रिंग दैट सम टाइम इन द फ्यूचर। अभी हम बस इस पर स्टिक करेंगे कि वो अंकित तिवारी वहाँ पे गया था, और जब वो पूरे कुलदरा में घूम रहा था, उसे कुछ जो उसके इक्विपमेंट्स थे, ही वॉज गेटिंग टू नो कि हाँ यहाँ पे इविल एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं। बट जब वो चुड़ैल के मकान में, उस मकान के अंदर घुसा, थोड़ी देर में ही उसके कैमरे में ही आग लग गई। मतलब मे बी इट वॉज जस्ट मेयर कोइंसिडेंस, बट पहले ऐसा नहीं हुआ था, एंड ही लिटरली हैड टू जस्ट रन अवे, क्योंकि वो पहले ही कह रहा था कि यहाँ कुछ बहुत भयानक है, एंड ही हैड टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। सो या मतलब इट इज़ शिवरिंग, मैं स्पेशली उसी प्लेस पे बैठा था, बट दिन में शायद उस चीज़ का प्रभाव कम होता है, रात को और अकेले में तो मे बी इट इज़ वेरी हार्ड ऑन यू, सो ऐसे में अवॉइड करा जा सकता है। रात में जाना तो वैसे आप जा ही नहीं सकते वहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं है रात को जाना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग घुस सकते थे क्योंकि वहाँ पे फेंसिंग नहीं थी। जैसे ही ASI के अंडर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ये प्रॉपर्टी आई है, उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को चारों तरफ से घेर लिया है, मतलब दे हैव डन ऑल द फेंसिंग और वॉल्स, कुछ भी दे हैड टू टू जस्ट सिक्योर इट, और इसी वजह से आप रात को तो वहाँ जा ही नहीं सकते, दिन में आप जा सकते हो। बाकी जो इन भाई ने गाइड साहब ने मेरे को बताया था कि जब ये छोटे भी गया, आई थिंक ही वाज टेलिंग स्टोरीज अबाउट 2000 टू 2005 के बीच की बात है, 2010 के बाद ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ज़्यादा ध्यान दिया इस पर, पहले इतना नहीं था। तो उस टाइम पे कुछ लोकल्स जो थे, उन्होंने सोचा कि चलो यार तो खाली गांव है, तो वी कैन गो देयर एंड वी कैन सेटल डाउन देयर, कि जगह खाली है जाओ बस जाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जगह श्रापित है, तो अब ये भी उस भाई ने मेरे को बताया, ऑथेंटिक कितनी है आई कैन नॉट टेल यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई गॉट टू नो, बट There might be truth to the story, I think, and I believe it. कि बिल्कुल हो सकता है भाई truth, पहले के शराब वगैरह में होती थी वो पावर, आई वुड से। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि यहाँ पे कई परिवार आके रुके, दे केम दे सेटल डाउन, पर थोड़े ही दिनों में उन परिवारों में प्रॉब्लम्स आने लगी, किसी के बच्चे मरने लगे, किसी को कैंसर जैसी बीमारियाँ होने लगी,
किसी के बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, किसी की खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब कंप्लीट डिज़ास्टर था। जो भी रह रहा था उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड दे हैड टू लीव थोड़े दिन में। फिर वहाँ पे कुछ ही लोकलों ने क्या करा कि उन्होंने सोचा कि चलो पत्थर होता, जैसे मैंने वो दिखाया था वीडियो में, आपने देखा था इतने सारे घर थे, पुराने पत्थर थे, विच यू कुड बी रीयूज्ड। राजस्थान में आज भी वही पत्थर कंस्ट्रक्शन में यूज़ आते हैं, उसी टाइप के पत्थर वो। तो कुछ लोग उसको रीयूज़ करने के लिए अपने घरों में ले जाने के, और जिन बंदों ने उन पत्थरों का यूज़ अपने घर में करा उनके घर में भी जो हुई प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको अभी बताई, जैसे कैंसर, बच्चों की मौत या फिर किसी की मौत, कुछ भी ऐसी चीज़ें वो उनके घर में भी होने लगी, क्योंकि वो पत्थर वहाँ पे यूज़ में लाया गया था और वो शापित है। तो इस वजह से वहाँ का तो ये बोला गया है भाई कि वहाँ से आप कुछ मत ले जाओ, बस आप देखो दिन में आओ, रात को तो अवॉइड ही करो। एंड या दिस वॉज द एक्सपीरियंस का इस वे, हमें पता नहीं उस टाइम पे स्किप ऑफ माइंड हो गया या वो सो मच इन टू द प्लेस, क्योंकि मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था तो पहली बार मैं गया, यू नो आई सो मच इन टू द प्लेस, मे बी आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट, या फिर मेरा डेटा करप्ट हो गया, डेटा मेरा लॉस हो गया, क्योंकि ये वीडियो मैंने जनवरी में बनाई थी 23 और अब चल रहा है अगस्त, आई एम रिकॉर्डिंग एट माय प्लेस 2023 अगस्त, तो इसको 8 महीने हो गए हैं। हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया, गया बिजी विद अ लॉट ऑफ वर्क, बट अब मैं ब्लॉगिंग में घुस गया हूँ, तो बस यही हेड्स अप देना था आपको। बाकी गाइस प्लीज़ मेक श्योर आई एम डूइंग माय बेस्ट, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गिव एवरीथिंग आई कैन टू दिस चैनल, ऑल माय नॉलेज थ्रू दिस चैनल टू पीपल हु वॉच माय व्लॉग्स, बिकॉज आई लव, आई हैव दिस पैशन फॉर ट्रैवलिंग, आई लाइक टू नो, आई गेट टू सी प्लेसेस, उन बारे में बताना, तो आई यू नो अच्छा लगता है मुझे जब मैं किसी और को बताता हूँ कि मेरे को उस जगह के बारे में पता है, ताकि वो भी कुछ सीख जाए, बंदा कुछ सीखे, ऑफकोर्स जैसे हमारे को भी कहीं ना कहीं से सीखने को मिलता है। सो इफ आई एम गुड एट समथिंग आई लाइक डिलीवरिंग इट आउट, अब उस पर मेरे को कोई जज करे या कुछ भी डिफरेंट थिंग, बट आई विल गिव माई बेस्ट टू दिस चैनल, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल अ गुड यू नो लुक अराउंड एट एवरी प्लेस एंड गिव यू द बेस्ट नॉलेज आई कैन, and yeah, I'll share all the experiences. So guys, please make sure to like this video, give it a thumbs up, comment on the video, comment your thoughts about how you felt about the place, how you felt about me delivering, or whatever you want to just suggest to me, any good comments, any bad comments, I would take it all. And please share the video to your friends, it'll mean a lot to me, and please subscribe to this channel, I would love it. Thank you so much, I'm putting my all, please support me a bit, so I can grow in this, I want to grow in this, and it's not possible without you guys. I'll see you guys, take care.